नाजरीन, न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क और अंजीली मीडिया की जानब से आप सबको खुशामदीद और इसके साथ साथ मैं अपने पैनलिस्ट को भी खुशामदीद कहता हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर अख्तर अंजीली साहब हैं जो अपोलोजिस्ट जो मजहबी तहफ़ुज़ात पर काम करते हैं, इसके साथ साथ वो एक दानश्वर मदबर भी और सहाफ़ी हैं। मुख्तलिफ चैनल से वो अक्सर औकात होस्ट भी करते हैं और मेज़बान भी इसके मेहमान भी होते हैं। इनके साथ हमारे साथ डॉक्टर प्रूडेंट अंजीली साहब हैं जो पीएचडी डॉक्टर के साथ साथ चर्चेज हिस्ट्री में भी उन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है और दो यूनिवर्सिटी यूएसए यूनिवर्सिटी में वो इस वक्त तदरीस के फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं। इनके अलावा बहुत सारे इशू और स्पेशल जो इन्होंने अंजीली मीडिया शुरू कर रखा है उसी में ये मजहबी जो हमारी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अक्सर किसी को नहीं पता चलता, तो ये खसूसन इन्होंने ये एक सिलसिला शुरू कर रखा है। जैसे कि नाजरीन आप जानते हैं कि तुर्की के सदर तैयब ने जो ऑर्डिनेंस या अपने सदारती हुक्म के तहत इसको 10 जनवरी 2019 को इसको मस्जिद का हुक्म सादर किया और इस 24 जुलाई को इसमें बकायदा नमाज पढ़ी जाएगी। और इस वक्त कुछ लोगों के लिए जो खसूसन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिस तरह कि आप जानते हो कि तुर्क की एक बहुत हिस्ट्री रही है, ये यूनान के अंडर था, पहले क्रिश्चियन रियासत सी दूर दूर तक। लेकिन मैं खुद कहने के हमारे जो पैनलिस्ट हैं इसकी वजाहत करते जाएंगे। हमने आज स्पेशल ये देखना है कि ये जो आज का टॉक शो है या कुछ जो यूनेस्को जो है वो बात कर रहा है या ऑल चर्चेज जो कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड ऑल चर्चेस कॉन्फ्रेंस जो बात उठा रही है या बहुत से जो लीडर्स जो हैं, लीडर्स जो इस पे तहफ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है और क्यों? अगर ऐसा हो कि जो भी रियासत उसके पास इख्तियार आता है तो वो अपनी कम्युनिटी जो मिनॉरिटीज रह रही है अगर उसकी इबादत गाह को वो चेंज करना शुरू करे या जो एक सारे कदीमा की चीज है उसको जब मर्जी तब्दील कर ले, तब कैसे अकलियतें जो है वो सरवाइव करेंगी? नईम साहब, आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी वजाहत करते हुए करें। इस आज के मामलात में बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है, फिर मैं अंजली साहब के से डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है। आप थोड़ा सा इसकी वजाहत करते जाएं नईम वाइस साहब। जी शुक्रिया शमसन साहब। तो जैसा कि जानते हैं, हम सब जानते हैं कि तुर्की की एक अदालत काउंसिल ऑफ स्टेट ने फैसला दिया है कि आया सोफिया जो कि एक म्यूजियम है अभी तक, तो उसको तब्दील करके मस्जिद की शक्ल दे दी जाए। और साथ में ये बताता चलूं कि ये पहले ये म्यूजियम से पहले ये इसको चर्च से मस्जिद में तब्दील किया गया और इससे पहले ये बनाया चर्च गया था, बतौर चर्च ये इस्तेमाल होता था जब तुर्की में उस्मानी जो खुल्फा है वो उन्होंने कब्जा नहीं किया था। ये 537 की बात है जब ये तो ये
सल्तनत उस्मानिया जो है सुल्तान मोहम्मद दून के जमाने में। तो ये चर्च था सर, इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इसलिए कि हमारे मेहमान जो हैं डॉक्टर अख्तर और डॉक्टर प्रूडेंट वो काफी तैयारी करके आए हैं इस सारे मामले में, तो हम उन्हीं की तरफ जाते हैं और उन्हीं से सवाल पूछते हैं। तो जी सैमसन भाई जी प्रूडेंट साहब, सबसे पहले आप ये बताइएगा आप कैसे हैं और अमेरिका के अभी हालात कैसे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी प्रूडेंट साहब। शुक्रिया सैमसन साहब, मैं ठीक हूँ शुक्रिया खुदा का, और अमेरिका के हालात भी बेहतर हो रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से। अब आपने जो बात की है ये टर्की के हवाले से, सबसे पहली बात है कि तुर्की वो मुल्क है जहाँ मसीहियत का आगाज़ हुआ। ये सबसे पहले लफ्ज क्रिश्चियंस जो इस्तेमाल हुआ वो तुर्की ही में इस्तेमाल हुआ, अंताकिया में, और यहाँ पलूस रसूल और शुरू के जो दीगर मसीही पाइनियर्स थे उन्होंने यहाँ का सफ़र किया शुरू, और यहाँ चर्च की बुनियाद रखी गई। और सबसे बड़ी एज़ाज़ की बात जो मसीहियत के लिए है कि लफ्ज़ मसीही क्रिश्चियंस वो तुर्की ही में सबसे पहले मसीह के पैरोकारों को इस नाम से मंसूब किया गया। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मसीहियों के लिए किस कदर ज़्यादा अहम मकाम है, मुल्क है जहाँ सबसे पहले उनको मसीही होने के हवाले से एक पहचान दी गई, एक नाम दिया गया कि दीज आर क्रिश्चियंस। सबसे पहले तुर्की में ये मसीहियों को नाम मिला, और उसके बाद ये तुर्की बहुत देर तक बिजेंटाइन एम्पायर के अंडर रहा और मसीही रहा, जब तक ये 537 में जब इस्लामी फातहीन बढ़ते चले जा रहे थे तो उन्होंने इस पे कब्ज़ा किया, और उस वक्त तो जस्टिनियन बिजेंटाइन एम्पायर के रहनुमा थे। और हमारे लिए मसीहियों के लिए तुर्की एक बहुत अहमियत का हामिल मुल्क है, क्योंकि डी फैक्टो मसीहियत या मसीही इस्तलाह यहाँ ही से शुरू होती है। तो आगे मैं डॉक्टर अख्तर से वास्ता बात करता हूँ, बात करें। डॉक्टर साहब, प्रूडेंट साहब, आप पहले आपसे ही करते हुए आगे मैं चलाता हूँ। 1500 साल पहले ये चर्च की तामीर हुई, फिर जैसे उस्मानिया की सल्तनत वहाँ पर कब्जा हुआ, उन्होंने मस्जिद को में तब्दील किया और म्यूजियम की शक्ल इसको, बाद में जब एक लिबरल हुकूमत थी उसको उन्होंने म्यूजियम में दिया। अंदर सारा उसके अब भी निशान जो हैं वो मुस्लिम भी हैं और क्रिश्चियन भी निशान है, हजारों लोग वहाँ आते थे। करनी बात ये है, चूंकि आपने इस हिस्ट्री में, चर्चेज हिस्ट्री में स्पेशलाइज भी किया, स्टडी भी की, तो इस अहमियत से जो है आप थोड़ा सा करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं, कि लेटेस्ट जो मौजूदा सूरत हाल है जो पैदा हुई है उसकी तशवीश को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाओगे तो हम आगे चलते हैं। जी मौजूदा सूरत हाल में ये जो कदम उठाया है तुर्की के सदर ने, ये यकीनन मसीहियों के लिए, खासतौर पे ऑर्थोडॉक्स चर्च के लिए तो बड़ी तशवीश की बात है, क्योंकि जब तक कमाल अतातुर्क ने जब तुर्की को संभाला दिया, तुर्की को मर्द बीमार कहा जाता था जंग अज़ीम के दौरान, तो उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम में, तो उसके बाद तुर्की का तो वजूद ही इसे मर्द बीमार भी कहा जाता था, तो इसको तो इसका तो वजूद ही मुकम्मल तौर पर ख़तरे में था। तो अतातुर्क कमाल पाशा, यानी कि तुर्कों का बाप कमाल पाशा ने मस्जिद की जो स्टेटस था मस्जिद का, इसको म्यूजियम में बदल दिया, इसलिए ताकि ये कोई कंट्रोवर्शियल इशू ना रहे, क्योंकि वो एक सेकुलर माइंडेड इंसान था और तुर्की को संभाला देने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने एक बैलेंस करना था मशरक और मगरब की इकदार में। तो उसने मुनासिब समझा कि इसको ना तो मस्जिद रहने दिया जाए और ना ही एज अ चर्च, बल्कि इसको म्यूजियम में बदल दिया जाए ताकि दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो, और इसके अलावा दुनिया के लिए भी एक्सेप्टेबल हो, लोग यहाँ आएँ और इसको एज अ टूरिस्ट साइट देखा करें।
और इसकी यही हैसियत रही अब तक, जहां ये मौजूदा सदर जो हैं तुर्की के अर्दवान, उन्होंने फैसला किया कि नहीं, ये हमने इसको रिस्टोर करना है, बल्कि उनके अल्फाज हैं कि वी वांट टू रिस्टोर द स्पिरिट ऑफ टर्की, दिस इज़ अ बैटल फॉर द स्पिरिट ऑफ टर्की। तो अगर इसको देखा जाए स्पिरिट ऑफ टर्की को, तो स्पिरिट ऑफ टर्की तो अगर तारीख में जाएं तो स्पिरिट ऑफ टर्की तो इस्लामी है ही नहीं, वो तो मसीही है। तो कमाल अतातुर्क ने इसको म्यूजियम में कन्वर्ट करके एक ऐसा कदम उठाया जो सबके लिए काबिल कबूल है, और वो बड़ा मुनासिब कदम था। इसका फ़ायदा ये टर्की को हो रहा था कि ये मुसलमानों के लिए भी, मसीहियों के लिए भी, और जो किसी मज़हब को नहीं मानते उनके लिए भी ये मकाम बड़ी अहमियत का हामिल था, एक टूरिस्ट साइट था और लोग इसको देखने के लिए आते थे। क्योंकि ये जब चर्च था तो उस वक्त इसका मकाम सिर्फ एक चर्च की हैसियत नहीं रखता था, बल्कि यूं समझ लीजिए जैसे कि आजकल कह सकते हैं आप वेटिकन, गो के एक वो मजहबी मकाम है लेकिन उसमें समाजी, सियासी, इंतज़ामी और पूरी दुनिया के जो कैथोलिक चर्च हैं उनका इंतज़ामी सारा निज़ाम वहीं चलाया जाता है। तो इसको इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था जब लोग, यानी कि बादशाह, शहजादे और दूसरे ममालिक के सफ़ीर और हुक्मरान आते थे, तो उनको वहाँ ठहराया जाता था, उनके वहाँ साथ मीटिंग्स की जाती थी और हर तरह की हिकमत अमली वहाँ तैयार की जाती थी। तो इसका मकाम सिर्फ एक चर्च की हैसियत से, कैथीड्रल की हैसियत से नहीं था, बल्कि एक इंतज़ामी ढांचा पूरा जो बिज़ेंटाइन एम्पायर का था वो भी यहाँ से ही चलाया जाता था। तो इसकी इसलिए बहुत सारे एंगल्स के साथ, जावियों के साथ इसकी बड़ी अहमियत थी, और इसलिए इसका एक बड़ा ख़ास मकाम है, तारीखी मकाम है, ना सिर्फ मजहबी एतबार से, बल्कि ये यूँ समझ लीजिए कि ये बिज़ेंटाइन एम्पायर का मरकज था। मैं कथा कलामी माफ, इसमें जो बताते हैं कि रोमन जो बादशाह थे उनकी जो तकरीब होती थी ताजपोशी की, वो भी इसी कैथीड्रल में, आया सोफिया में होती थी। हाँ बिल्कुल, ऐसी जैसे इंग्लिस्तान में आपके वहाँ वेस्ट मिनिस्टर अभी है, वो एक चर्च भी है लेकिन एक, जहाँ वहाँ रॉयल वेडिंग्स होती हैं, ताजपोशी होती है वेस्ट मिनिस्टर अभी में, इसी तरह से जो कैथलिक चर्च के लिए वेटिकन सिटी है वहीं पोप की ताजपोशी होती है, पोप का इंतखाब होता है। तो ये उस हवाले से भी ये बिज़ेंटाइन एम्पायर, बल्कि पूरी जो क्रिश्चियन वर्ल्ड थी उसके लिए एक बहुत बड़ा मरकज़ था, बड़ी अहमियत का हामिल था। तो इसको पता करना और बाद में इसको फिर कन्वर्ट कर लेना मस्जिद में, ये यकीनन मसीहियत के लिए बहुत ही बड़ा सदमा था। और उसके बाद चूंकि इसको म्यूजियम में बदल दिया गया, तो ये कुछ कंपनसेशन हुई कि चलो अगर चर्च नहीं रहा तो मस्जिद भी नहीं है। लेकिन अभी ये जो कदम सदर ने उठाया है, सदर अरदोगान ने, तो ये यकीनन मसीहियों के लिए परेशानी और तशवीश का बायस। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। अब हम बड़े डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं, डॉक्टर अख्तर अंजलि साहब। जब ये तकरीबन 86 साल पहले इसे जो है म्यूजियम में तब्दील किया गया, और जिस तरह अब डॉक्टर प्रूडेंट साहब कहते हैं कि उस वक्त एक काबिल कबूल था सबके लिए, क्या उस वक्त में ऐसा सवाल उठा था? क्योंकि उससे पहले ये मस्जिद थी, फिर वो म्यूजियम में चेंज हुआ, और अगर ये चर्च में दोबारा किया जाता तो शायद बहुत सारे सवाल तहफ़ आते। अब ये म्यूजियम में जब चेंज हुआ, उस वक्त आया कुछ ऐसी आग सुलझी थी या धुआं आया था कि इसके लिए कोई एहतजाज किया जाता? एक दूसरी बात ये है कि म्यूजियम जब भी कोई ऐसी आसारे कदीमा या इस तरह की चीज़ आ जाती है, वो जो यूनेस्को अदारा जो है उसके भी आ जाता है, एक बैनुल क़वामी ये बन जाती है, प्रॉपर्टी कह लें या इस तरह उसमें आ जाती है। अब आप इस सारे सिनेरियो में आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैंने आपसे पहले एक बात की थी कि कुछ लोग जो कह रहे हैं कि कोई भी खुद मुख्तियार हुकूमत होती है वो कुछ भी कर सकती है, उसको इख्तियार आता है, और इस्लामिक मुल्क है, और जो ये अर्दोगान जो हैं वो एक इंतहा पसंद भी कह सकते हैं, मजहब के ज़्यादा करीब हैं। तो ये स्टेप जब इन्होंने उठाया, जो एक मुस्लिम या कह लें उन्होंने तो खुशी का इजहार किया, लेकिन
जो है वो क्रिश्चियन या ऐसे मुल्क हैं, उन्होंने इत्तेजाद किया। क्वेश्चन कुछ लंबा, शायद काफी लंबा हो गया, तो आप लिए किस नजर से देखते हैं और आपका नुक्ता नजर, अगर आप अपना नुक्ता नजर इस बारे में लेके जाते हैं तो डजंट मैटर। जी डॉक्टर अख्तर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक सवाल नहीं, आपने सवालों की उछाड़ कर दी है, और वक्त के साथ हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि जितने जवाब मैं दे सका उनको दूं, वरना डॉक्टर साहब से, डॉक्टर प्रूडेंट से भी हम कुछ पूछ लेंगे। देखें, सबसे पहली बात जो है, थोड़ी सी मैं तारीख, जैसे अभी प्रूडेंट साहब बता रहे थे कि ये एक क्रिश्चियन बिल्डिंग थी, इसलिए क्योंकि लफज हागिया सोफिया, इसका मतलब है डिवाइन विजडम, लातीनी के लफज है हागिया, यानी इलाही, होली, सोफिया विजडम। तो ये जब चर्च बनाया गया था, जस्टिनियन ने बनाया था, तो ये कॉन्स्टेंटिनोपोल में बना था, कॉन्स्टेंटिनोपोल सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटाइन मसीही बादशाह थे। पौलुस रसूल ने जब बाइबल मुकद्दस में अगर हम पढ़े तो मिशनरी जर्नी शुरू की, तो वो क्रिश्चियनिटी तुर्की और उस इलाके में लेके गया। नकाया की काउंसल्स जिन्होंने मसीहियत को के कवानीन बनाए वो तुर्की में हुई, इंताकिया जहां पे मसीहियों को मसीही कहा गया सबसे पहले वो भी तुर्की में है। सांता क्लॉज की जो रवायत है उसका ताल्लुक भी तुर्की से है। टर्की वॉज अ क्रिश्चियन कंट्री एंड इट वॉज सेंटर ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर, पहली बात। दूसरी बात, जब 537 में हागिया सोफिया, जिसे तुर्की में आया सोफिया, अच्छा एक और बात, कॉन्स्टेंटिनोपोल का मतलब है सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। ये इस्तंबोल कैसे बना, ये मैं जरा थोड़ा सा बता दूं लोगों की दिलचस्पी के लिए, इस्तंबोल कोई नाम नहीं है, ये यूनानी के दो लफ्ज हैं, इस्तंबोले यानी के टू द सिटी और इन द सिटी। तो जब सुल्तान मोहम्मद फातेह दोयम ने इसको फतह किया तो मुसलमान फौजें वहां पे आई, तो उन्हें नाम से कोई गरज नहीं थी, वो था कि कहाँ जा रहे हो, हम शहर जा रहे हैं, टू द सिटी, कहाँ रहते हो, हम शहर में रहते हैं। तो इस तरीके से कॉन्स्टेंटिनोपोल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस्तंबोल बन गया। यूनानी के दो लफ्ज है जिनका मतलब है इन द सिटी या टू द सिटी, शहर के अंदर या शहर की तरफ। अब जो बात मैं करना चाहता हूं वो ये है कि मुसलमान फौजों ने तुर्की को फतह किया, ये वो इनवाइट नहीं हुए थे, दीवारें थी और कई महीनों तक वो सीज रही, और उसके बाद जब फतह किया गया तो 3 दिन तक तारीख की किताबों में, मुस्तनद किताबों में, 3 दिन तक वहां पे लूट मार होती रही, और उसके बाद अजान दी गई, इसको मस्जिद बना लिया गया, ठीक है। और ये वो वक्त है जब सल्तनत उस्मानिया अपने अरूज पर थी, 1299 से लेकर 1922 तक सल्तनत उस्मानिया का दौर रहा। अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूं। 1922 में 1 नवंबर को दुनिया ने, यूरोप की फातेह फौजों ने और तुर्की के कमाल अतातुर्क ने मिलकर यह फैसला किया कि सल्तनत उस्मानिया इज फिनिश्ड, अबॉलिश्ड। और उस वक्त तुर्की अपने जानू पर था, इट वॉज नॉट ओनली द सिक मैन ऑफ यूरोप, जैसे भी डॉक्टर प्रूडन ने कहा है, वो जंग के दौरान उसे सिक मैन ऑफ यूरोप कहते थे, इट वॉज अ डाइंग मैन ऑफ यूरोप। उस वक्त तुर्की के अगर चाहते एलियाज तो हिस्से बखरे कर सकते थे, लेकिन चूंकि, और ये बात बड़ी नोट करने वाली है, चूंकि कमाल अतातुर्क, फादर ऑफ द मॉडर्न टर्की, उन्होंने इस नजाकत को समझा, इसलिए उन्होंने सेकुलर तुर्की का आगाज किया कि वहां पे बादशाहत नहीं होगी, यानी वहां पे सल्तनत उस्मानिया नहीं होगी, और उनके जो सुल्तान थे और जो भी उनके बाकियात थे उनको मुल्क बदर कर दिया गया, शरिया कोर्ट जो है वो खत्म कर दी गई,
अरबी रस्म उल खत खत्म कर दिया गया और तुर्कों को कहा गया कि सब वेस्टर्न पहनावा पहने। ऐसी सूरत हाल में वो मसीहियों की एक इतनी बड़ी इमारत, जबकि हागिया सोफिया बना था, तो उस वक्त के राइटर्स ने लिखा है कि दिस बिल्डिंग, हागिया सोफिया, आया सोफिया की तरफ इशारा करके, इसने तामीरात की तारीख बदल कर रख दी है। लिहाजा अगर उस वक्त फातह फौजे चाहती तो वो वापस ले सकती थी, लेकिन चूंकि कमाल अतातुर्क ने बड़ी दानिशमंदी से यह फैसला किया कि अब मैं किसी को तंग नहीं करूंगा, और उनकी फॉरेन पॉलिसी थी, देखें ये लिखा गया है तारीख की किताबों में और उनकी कबर पर भी लिखा हुआ है, पीस एट होम पीस इन द वर्ल्ड, कमाल अतातुर्क की ये फॉरेन पॉलिसी थी, पीस एट वर्ल्ड पीस एट होम। 1934 में यूनान के वजीर आजम ने उनका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए भी दिया था, नहीं मिला था बहरहाल, लेकिन ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर दैट। तो कहने का मतलब यह है, जब तुर्की नहायत कसम पुरसी की हालत में था, जंग अजीम अव्वल हार चुका था, जर्मनी जो था वो कसम पुरसी की हालत में था, तो उस वक्त तुर्की ने ये मुनासिब समझा और उनके ये हक में था कि उस वक्त ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को जक्स्टापोज ना किया जाए, आमने सामने ना किया जाए, बल्कि दोनों को वी आर सेकुलर। और सेकुलर होने का सबसे बड़ा सबूत कमाल अतातुर्क ने यह दिया कि मसीहियों का सबसे बड़ा गिरजा, जो 916 साल तक गिरजा रहा था, जिसको फतह करके जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया था, उसको हम देखें क्या करते हैं, दोबारा मस्जिद नहीं बनाते दोबारा, लेकिन वी आर सेकुलर नेशन, वी ओपन इट फॉर एवरीबॉडी, ये उस वक्त की जरूरत थी। लिहाजा उस वक्त जो कमाल अतातुर्क ने किया, दुनिया ने उसको तस्लीम कर लिया। और अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि अब क्या हुआ है, अब भी ये तुर्कों के हक में फैसला नहीं है, ये सिर्फ उन मुसलमान अनासर के हक में फैसला है जो जहां पे भी जाते हैं वो चाहते हैं कि अपना सिक्का जमाते जाएं। देखें तुर्की मुसलमानों का मुल्क है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पर मसाजिद कितनी है, गिरजे कितने हैं, मसीहियत से इसको दुनिया में कोई खतरा नहीं है। जब हागिया सोफिया, आया सोफिया क्रिश्चियंस के पास था, मसीहियत तब भी एक इल्हामी मजहब था, आज आया सोफिया हमारे पास नहीं है, मसीहियत अब भी कायम है और पूरी दुनिया में उसका चर्चा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब सोचने की बात यह है कि तारीख इस फैसले को किस निगाह से देखेगी और ये फैसला इस वक्त क्यों किया गया है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन देखें जब म्यूजियम बना था तो उसमें क्रिश्चियनिटी के बहुत से आइकॉन्स थे, तस्वीर थी, पेंटिंग्स थी, स्लीबें थी, बहुत सी ऐसी चीजें थी, तोमार थे, नक्शे थे, जिनसे मसीहियत को बड़ा प्यार है। और वो अब चूंकि वो दोबारा मस्जिद बना दिया जाएगा, उनको वहां से निकाल लिया जाएगा। अभी मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन आपने एक छोटी सी जाते जाते एक इशारा किया था जी, तुर्की खुद मुख्तार है। देखें इस दौर में कोई मुल्क खुद मुख्तार नहीं है, सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की है, वो चाइना की कर्ज, चाइना का कर्जा देना चाहती है। चाइना जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो आईएमएफ के साथ उसके हिसाब किताब चल रहा है। रशिया, इंडिया, आप किसी की बात कर ले, पाकिस्तान की बात कर ले, कोई मुल्क जो है उस तरह से खुद मुख्तार नहीं कि वो जो चाहे वो करे, मुतलकुल इनान खुद मुख्तारियत किसी के पास नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे और उस वक्त वो बर्कले से अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डिग्री लेकर आए थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। हम जुल्फकार अली भुट्टो को उस वक्त पढ़ते हैं जब हमने मुस्लिम लीग के खिलाफ कुछ चीजें निकालनी होती हैं या हमने इंडिया के खिलाफ कुछ निकालना होता है, ये पढ़ने वाली किताब है मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस।
द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है कि इंडिपेंडेंस इज अ मिथ। हम अंग्रेजों से आजादी लेने के बाद भी यूरोप के और अपने इर्द गिर्द के हमसाया ममालक के, हम उनके साथ, चीन है वो, इंडिया और ईरान हो, सब इसी तरीके से, तुर्की जो है वो, ये इस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंस इज अ मिथ। खुद मुख्तारी जिसे आप कह रहे हैं, दैट्स अ फेबल। इस दुनिया में कोई मुल्क जो है वो मुतलकुल अनान नहीं है कि हम जो चाहें कर सकते हैं। वी लिव इन अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड। यूएनओ है जहां पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, यूनेस्को है, देखिए बहुत कुछ है। जी नईम साहब, आप जी सर। मैं ना, सॉरी नईम साहब, मैं आपके हैंड ओवर करता हूँ, मुझे थोड़ा सा जाना है इस तरफ। जी जी, डॉक्टर प्रूडेंट नीली साहब के साथ, और फिर आप, आपके हैंड ओवर है, फिर आप इसको। जी जी जी, शुक्रिया। मैं ये डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह इंडिया में बाबरी मस्जिद का ये क्वेश्चन, खसूसन क्वेश्चन जब मैं बात कर रहा था, हमारे डॉक्टर परवेज भट्टी साहब है, उन्होंने गो के लाइन पे आना था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आपने ये क्वेश्चन जरूर रखना है कि इंडिया में वो पहले राम मंदिर था, फिर वो बाबरी मस्जिद हो गई, फिर बाबरी मस्जिद को वो उन्होंने हटाने की कोशिश की, काफी एहतजाज हुए, तो आया अगर इसी तरह ये जो है वो होते रहेंगे सिलसिले, कि कुछ मुल्क जो है जो असल में आप अगर ले लो तो ये इमरान खान और अर्दगान और इस तरह रशियन, ईरान, ये इनका एक इस वक्त जो एक इंतहा पसंद जो ग्रुप है वो उनमें भी शुमार होता है, अगर इस तरह के ये चलना शुरू हो गए कि वो अपने एक दस्तर साबित करने के लिए जो वहां पे अकलियती इबादत गाहें हैं उनको वो चेंज करना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पे एक और बात करता जाऊं कि जैसे मंदिर का रावलपिंडी में मंदिर की बात हुई कि उसको रीतामीर करने की, दोबारा तामीर करने की, रिकंस्ट्रक्शन की, तो इंतहाई मुखालफत हुई, इंतहाई, यहाँ तक कि आसफ, ख्वाजा आसफ को बड़ा सामना करना पड़ा, उसके उसपे ला जो है वो करने की कोशिश की जब असेंबली में। तो क्या अगर ऐसा होता रहेगा कि अकलियतें जहाँ कमजोर है हुकूमतें, तो ये क्या पैगाम क्या देंगी दुनिया में, क्या पैगाम देंगी, या तुर्की का ये स्टेप जो है इसने क्या पैगाम दिया है? तो इसके साथ फिर मैं नईम साहब को दूंगा कि वो इसको डील करें। जी डॉक्टर प्रूडेंट साहब, देखिये सैमसन साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, पॉइंट है जो आपने उठाया है। इसमें ये है कि मौजूदा ज़माना जो है उसमें बड़ी कशमकश चल रही है एक बैलेंस कायम करने की इंतहा पसंदी और रवादारी के हवाले से। तो ये जो कदम है असद अर्दवान का, ये यकीनन इंतहा पसंदी के रुझान को तकवीत देगा, जिसको के पूरी दुनिया में बड़ी मुश्किल से, जिसे कहते हैं जीनी आउट ऑफ द बॉटल, इसको दोबारा बॉटल में बंद करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब यकीनन इसको मज़ीद कंट्रोल करना मुश्किल होगा, बल्कि ये इंतहा पसंदी की तरफ और मामलात बढ़ेंगे, क्योंकि इससे तकवीत मिलेगी उन फोर्सेस को जो मजहबी इंतहा पसंदी का सहारा लेके अपनी हुक्मरानी या अपना रोब दाब जगाना जमाना चाहते हैं दुनिया पर। अभी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जो है बेसिकली यहाँ से फूटी मजहबी इंतहा पसंदी से। अभी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का चर्चा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये भी एक तरह के ये मजहबी इंतहा पसंदी और इस तरह के इंतहाई कदम जो हैं वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ भी लेके जाते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि एक्सट्रीमिज्म जंगो जदल हो, गन्स उठाने से हो, लेकिन एक जो थॉट फ्लो है, सोच जो है, वो भी एक्सट्रीमिस्ट हो सकती है, और ये यकीनन ये कदम जो है, ये जो एक्सट्रीमिस्ट सोच है उसको तकवीयत पहुंचाएगी। बाबरी मस्जिद के हवाले से जो आपने बात की, उसके उसका भी यही इशू था कि उसके बारे भी कहा जाता था कि ये राम मंदिर था, जन्मभूमि थी राम की, तो उसके बाद इसको जब मुग़ल आए तो उन्होंने इसको कन्वर्ट कर लिया मस्जिद से। तो उस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों ने, पाकिस्तान में ख़ासतौर पर, इस पर बड़ा एहतजाज किया था, और आप जानते हैं कि कितनी कत्लो गारत और कितना नुकसान हुआ अमलाक का, लोगों का, जानी माली और जानी नुकसान हुआ।
तो उस वक्त ये चीज़ हजम करना बड़ा मुश्किल था इस्लामी दुनिया के लिए। लेकिन अब ये उसको अगर फ्लिप ऑफ द कॉइन करके देखें तो अब मौजूदा सूरत हाल में एक चीज़ बड़ी नोटवर्थी है और उसको मैं मिस नहीं कर सकता और किसी को भी नहीं इसको मिस करना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए मेंशन करना। आप देखें कि जब बाबरी मस्जिद का इशू हुआ था तो पूरी दुनिया में क्या हुआ था, उसका रिएक्शन कैसा था, पाकिस्तान में उसका रिएक्शन कैसा था, आग लगाई गई, मारपीट, कत्लोगारत और कितनी तबाही मचाई गई पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में। तो अब आप देखें जब ये कदम उठाया है तो हम बैठे बात कर रहे हैं, हमने कहीं भी हमने किसी को उकसाया नहीं, ना उकसा रहे हैं और ना ही कहीं मसीही दुनिया में कोई ऐसा वाकया पेश आया है जहां मसाजिद पे हमला हुआ है, मुसलमान कम्युनिटी पे हमला हुआ है, या गाली गलोच हुई है, या बद कलामी या बद जुबानी इस्तेमाल हुई है। हम भी यहाँ बात कर रहे हैं तहजब से, तहजीब के दायरे में रह के बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों की तरह बात कर रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब हालात दूसरी तरफ होते हैं तो ऐसा नहीं होता। आप तसव्वुर करें, अगर ये मामला उलट होता अब तक क्या हो चुका होता। डॉक्टर प्रूडेंट, मैं माजरत के साथ, वो हमारा जो असल टॉपिक है हम उससे दूर चले जाएंगे। मैं इससे पहले मैं अगला सवाल करूं, मैं ये नाज़रीन बताना चाहता हूं कि ये मौजूदा जो आया सूफिया के बारे में प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं, ये अंजीली मीडिया और न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानिब से ये मुश्तरका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तो डॉक्टर अख्तर, आपके आने से पहले मैं प्रूडेंट साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ, जरा थोड़ा अगर बता दें नाजरीन के लिए कि स्पेन में मस्जिद करतबा एक बहुत मशहूर जगह है, ये वो जगह है जहाँ शायर मशरक अलामा इकबाल ने एक मशहूर नज़म कही वहाँ पे उसके विजिट के मौका पर। तो अभी ये कुछ हलकों की तरफ से इतराज़ हो रहा है कि जनाब वो मस्जिद करतबा पर भी तो कब्जा किया गया स्पेन की तरफ से और उसको चर्च में तब्दील किया गया, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा बताएं कि ये क्या मस्जिद करतबा जो है ये क्या मस्जिद थी तो इसको चर्च बनाया गया, या चर्च था उसको मस्जिद में, इसकी क्या थोड़ी सी तारीख इसकी बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। नहीम साहब, ये जो मस्जिद करतबा का जिक्र आपने किया ये इंग्लिश का वर्ड कॉर्डोबा है और ये जिसके बारे में अलामा इकबाल साहब ने भी नोहा लिखा है और ख्वाहिश की है कि दोबारा ये इस्लामी नशात सानिया हो और वो दोबारा मस्जिद बने। दरअसल ये मस्जिद करतबा जो है जिसे इंग्लिश में कॉर्डोबा कहते हैं, उसका अडॉप्शन है कॉर्डोबा की करतबा, और ये इसके बारे में जो नज़रिया है कि वो मस्जिद थी और उसको चर्च बनाया गया, दरअसल इसकी हकीकत भी ये है कि वो दरअसल चर्च ही था और उस चर्च का नाम था द चर्च ऑफ सेंट मेरी द लेडी ऑफ अजम्पशन, उस हवाले से इसको जाना जाता था। और सबसे पहले ये 6वीं सदी ईस्वी में इसकी बुनियाद रखी गई और उसके बाद 784 में अब्दुल रहमान अव्वल जब उन्होंने फतह किया तो इसको मस्जिद की शक्ल में बदल दिया। और उसके बाद जब री इंक्विजिशन हुई, ये री इंक्विजिशन जो यूरोप की थी उसमें दोबारा इसको तकरीबन 1236 में दोबारा चर्च की शक्ल में डाल दिया गया और इसके ऊपर इतने सदियां लगी कि 16वीं सदी तक इसकी तामीर और इसकी तकमील जारी रही। 16वीं सदी में जाकर इसने दोबारा अपनी असली हालत दोबारा पाई, बहाल हुआ। लेकिन मैं ये आपके सवाल का जवाब वाज़े तौर पे देना चाहता हूँ कि 784 में इसको अब्दुर्रहमान अव्वल ने चर्च था जिसको मस्जिद में बदल दिया, 600 सदी में 6वीं सदी में इसको अवर लेडी ऑफ अजम्पशन, अवर लेडी ऑफ अजम्पशन मदर मेरी की तरफ इशारा है, का चर्च था और बाद में इसको मस्जिद बनाया गया। 1236 में दोबारा इसको मसीहियों के हवाले किया गया और 16वीं सदी में ये दोबारा कैथीड्रल की शक्ल में मुकम्मल तौर पर बहाल किया गया। जी शुक्रिया जनाब, तो यानी आपके कहने का मतलब ये है कि मस्जिद करतबा जो है ये दरअसल ये भी शुरू में चर्च ही था
चर्च ऑफ लेडी ऑफ असम्पशन जी जी, तो जब इसको फतह किया गया तो उस वक्त इसको जो है वो मस्जिद की शक्ल दे दी गई, जो कि आज फिर वो दोबारा स्पेन पे दोबारा मसीहों का कब्जा होने के बाद उसको, चले ठीक है, ये कुछ हल्के मुस्लिम हल्के इस बात पे इतराज करते थे। डॉक्टर अख्तर आप मुझे सुन रहे हैं सर? जी आपकी आवाज। अभी अलामा इकबाल का जिक्र हुआ तो उनकी मशहूर नज़्म का भी, लेकिन मैं डॉक्टर इकबाल साहब का एक शेर पढ़ना चाहूंगा, तो फिर उसके हवाले से हम इसके बाद हम आगे जाएंगे अपने आया सोफिया की जानब। तो शेर ये है सर, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म जहीफी की सजा मर्ग मफाजात। मैं देखें ये एक कानून है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर का कानून चलता है। तो इतनी अजीम शान सल्तनत रोमन्स की, बाज़ंतीनी हुक्मरान जनाब वहां पे, इतना अजीम शान चर्च, तो सुनने में आया है कि ये जब इस पे कब्जा होने जा रहा था तो जो मुखालफ फौजें थी उस्मानी फौजें, वो पहाड़ों से कश्तियां जो हैं वो लकड़ी के वो बड़े बड़े शतीरों पे उसको स्लिप करके तो दूसरी तरफ लेके जा रही थी, और ये जो शहनशाह हैं उस वक्त इधर तुर्की के कस्तनतुनिया के, वहां पे बहस ये चल रही थी पाक शराकत के बारे में। तो क्या सर ये इनका फर्ज नहीं बनता था कि अपनी अपने मुल्क की अपनी चीजों की ये हिफाजत करते, तो आज ये नौबत ना आती? जरा कुछ थोड़ा सा मुख्तसर इसके बारे में देखें अगर आप फरमाएं तो। बिल्कुल, आपने जिस वाक्य का इशारा किया है, जब कॉन्स्टेंटिनोपोल को कस्तनतुनिया को फतह करने के लिए ये लोग गए, तो वो एक समुन्द्र का हिस्सा है जिसको गोल्डन हॉर्न कहते हैं, और उसके आगे जंजीर थी, और वो जंजीर जो थी वो इतनी बड़ी थी कि उसको काटा नहीं जा सकता, लिहाजा मुसलमान फौजें अपनी शिप्स लेकर दूसरी तरफ जाकर उस पर हमला नहीं कर सकती थी, और ये इतनी बड़ी दीवारें थी, ये बड़ी लंबी तारीख है। और इसमें बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि चूंकि वो किश्तियां जो थी वो जंजीर को तोड़कर आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए किश्तियों को समुन्द्र से निकाल कर जंगल में जमीन के ऊपर से गुजार कर तो जंजीर के दूसरी तरफ उतारा गया। दिस वॉज अ मेजर फीट, तारीख में जो बातें हैं उनको जुटलाया नहीं जा सकता। और उस वक्त सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जो हिकमत अमली इस्तेमाल की वो बहुत कामयाब रही। ठीक है, देखें जब हम बात करते हैं फौजों की तो हमें ये देखना चाहिए कि मिलिट्री में दोनों तरफ फतूहात रहीं, शिकस्तें रहीं, और इसलिए जैसे आपने अभी फरमाया कि इकबाल का एक शेर, इकबाल का एक का ही एक शेर है, ले गए तसलीस के फरजंद मेरा से खलील, खिश्ते कलीसा बन गई खाके हजाज। वो भी वक्त था जब नुसरानी फौजें जो थी उन्होंने खाके हजाज से खिश्ते कलीसा बना दी थी। तारीख जो है ये दोनों तरफ काटती है, और हमें हमारा इतना बड़ा जिगर होना चाहिए कि जब हम इन बातों का जिक्र करते हैं तो हम सदाकत से बात करें, सच्चाई से बात करें। कस्तनतुनिया को फतह किया गया और उस वक्त बड़ी बड़ी जंगो जदल हुआ जो आप बात कर रहे हैं वो भी तारीख में है, लेकिन उसके साथ ये घुमसान की जो लड़ाई हुई, जंग हुई, और उन दीवारों को आखिरकार किसी फौज ने जीतना होता है, हारना होता है, और ये बिल्कुल जी जी। हमें इस बात का दुख रहेगा, लेकिन तारीख का धारा उस वक्त जो था वो मुसलमानों के हक में था, इसलिए उन्हें फतह हुई और वो बात ऐसी ही है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ, देखें हम बात तारीख के धारे की कर रहे हैं, और अभी सैमसन साहब ने मुझसे सवाल किया था और एक बात की थी कि जी खुद मुख्तार रियासतें हैं,
मैंने उसका जवाब थोड़ा सा देना शुरू किया था कि अब कोई रियासत खुद मुख्तार नहीं है। मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस जुल्फकार अली भुट्टो की पढ़ने वाली किताब है, डिप्लोमेसी हेनरी किसिंजर की किताब, उसमें भी ये इंटरवोवन रिलेशंस हैं। लिहाजा जो आज तुर्की के सदर ने किया है कि उसको मस्जिद बना दिया है और वो इसके इस असूल के पीछे छुप जाएंगे, दिस इज अ सॉवरन नेशन, कहां की सॉवरनिटी है? देखें, जब मिस्र ने एक डैम बनाना शुरू किया था तो उस डैम से कुछ ऐसी चीजें थी, ऐसी पुरानी यादें थी, तारीखी विरसा था, तारीखी विरसा, थैंक यू वेरी मच, जो के उस डैम की जद में आ जाने वाला था, उसे मॉन्यूमेंट्स ऑफ नूबिया कहते हैं। मॉन्यूमेंट्स ऑफ नूबिया अगर डूब जाते डैम असवान के बजाने से, तो वो पूरी दुनिया के लिए हमेशा से खत्म हो जाते। लिहाजा मिस्र ने यूएनओ से दरखास्त की कि यहाँ पे डैम बनना जरूरी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये आलमी विरसा जो है ये तबाह हो जाए। लिहाजा उस वक्त यूएनओ ने ये काम यूनेस्को को दिया और 1954 में इस बात पर बहस शुरू हुई कि दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुख्तलिफ ममालक में है लेकिन वो उनकी नहीं है, वो वर्ल्ड हेरिटेज है। जैसे अहराम मिस्र है, वर्ल्ड हेरिटेज है, ताजमहल है, वर्ल्ड हेरिटेज है। ये ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया की, कायनात की, इंसानों की, सबकी। पाकिस्तान में 6 ऐसी जगह हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। टेक्सला के खंडरात है, हड़प्पा है, शालीमार है, वो जो हमारा किला है वो है, मकली है, इस तरह से 3-4 और है, 6 और चीजें। नहीं तो अभी अभी आप जिक्र कर रहे हैं, मैं डॉक्टर प्रूडन आपकी तरफ आता हूँ तो, लेकिन डॉक्टर अख्तर आप जरा प्लीज ये बताएं कि आपने तारीखी विरसे की बात की और अभी ये चंद दिन हुए हैं तख्त भाई में, मर्दान में बुद्धा का एक बहुत बड़ा मुजस्मा दरियाफ्त हुआ और वहां के मुकामी लोगों ने उसको पत्थर मार मार हथौड़ियों से बिल्कुल चकना चूर कर दिया, तोड़ के रख दिया। तो ये हर हर मुल्क की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने तारीखी विरसे का ख्याल करे। और मैं यहाँ पे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये आया सोफिया जो है इसको यूनेस्को जो है वो तारीखी विरसा करार दे चुकी है, तो क्या इस बात का कोई असर नहीं है तुर्की पे या अर्दगान साहब पे, तैयब अर्दगान पे? मैं सर वही जरा बात खत्म कर लूं, मैं वही कहने लगा था कि चूंकि ताजमहल जो है वो एक तारीखी विरसा है, कल को हिंदू ये नहीं कह सकते कि हम इसको मंदिर बना देंगे, या मुसलमान ये नहीं कह सकते हम इसका इसकी मस्जिद बना देंगे, या पाकिस्तान में कोई ऐसी ऐसा विरसा है। तो जब भी किसी चीज को वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस दिया जाता है, उस हुकूमत को पाबंद किया जाता है जाब्तों के, कि आप यूनेस्को की इजाजत के बगैर और उनसे सलाह लिए बगैर इसका ना तो स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, ना इसका इस्तेमाल बदल सकते हैं, ना इसका स्टेटस बदल सकते हैं। बहुत ये मुआहदे होते हैं और जो सिविलाइज्ड नेशंस हैं वो इन मुआहदों का पास रखती हैं। लिहाजा जब हागिया सोफिया को यूनेस्को का हेरिटेज बना दिया गया, तो सैमसन साहब वो जो आप बात कर रहे थे कि तुर्की की खुद मुख्तारियत, वो उस वक्त उस मुआहदे के तहत खत्म हो जाती है। बेशक वो तुर्की में है लेकिन नाउ इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज और आप पूरी दुनिया की बरादरी से पूछे बगैर उसका स्टेटस नहीं बदल सकते। और यूनेस्को वालों ने जब इस पे बयान दिया है तो उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वो उन्होंने कहा है इट इज वेरी रिग्रेटेबल, कि हमें बड़ा पछतावा है इस बात पे, हम इस बात पे पछता रहे हैं कि ये उन्होंने क्या किया है। और दूसरी बात, ये जो हेरिटेज स्टेटस था ये यूनेस्को ने जब दिया था उस वक्त तुर्की ने इतराज नहीं किया, पहली बात। 1934 में जब कमाल अतातुर्क ने आगिया सोफिया को, आया सोफिया को म्यूजियम बनाया है, उस वक्त किसी अदालत ने इतराज नहीं किया, बल्कि ये कैबिनेट की डिसीजन थी
और उस वक्त रूलिंग जो कैबिनेट थी ये उनकी यूनानिमस डिसीजन थी क्योंकि दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। तो इस तरह से अगर सिविलाइजेशन चले कि जब आपका हाथ आया हो किसी मशीनरी में तो आप मुआहदों पे साइन कर दे, शिकंजे, शिकंजे में आया, इस तरह से दुनिया जो है वो नहीं चलती। अच्छा जी, शुक्रिया डॉक्टर पूरन, मैं आपकी तरफ आता हूँ। वो कहा जाता है कि बल्कि ये हकीकत है कि तैयब अर्दोगान जो है ये इस्तांबुल के मेयर रहे हैं खुद भी, और उसके बाद जब अब जो बलदियाती इलेक्शन हुए इस्तांबुल से इनकी हुक्मरान पार्टी जो है वो हार गई, तो जब वजीर आजम तैयब अर्दोगान की पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी जिसके जरिए वजीर आजम बने, तो इन्होंने वादा किया था कि मैं दोबारा अगर बरसर इक्तदार आ गया तो मैं इसको दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दूंगा आया सोफिया को। तो ये क्या इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे ये क्या, जैसे अभी डॉक्टर अख्तर ने हमें यूनेस्को के हवाले से भी बताया, आप क्या इसमें इसके बारे में कहते हैं? नाइम साहब देखें, ये सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि वो कौन से मुहरकात हैं, क्या रीजंस हैं, वजूहात क्या हैं कि ये तैयब अर्दोगान को इस वक्त ये कदम उठाना पड़ा या उन्होंने ये कदम उठाया। अब जैसे आपने कहा कि तैयब अर्दोगान की जो मकबूलियत है, पॉपुलस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, पॉपुलस वोट जो है उनका, वो ज़्यादा है देही इलाकों में, रूरल एरियाज में, लेकिन सिटीज़ में खासतौर पर बड़ी सिटीज़ मेट्रोपॉलिटन कहते हैं वहाँ उनकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, और ख़ास तौर पर इस्तांबुल में, इस्तांबुल में इनकी पार्टी जो है वो हारी और उनकी मेयरशिप का इलेक्शन भी हारी, और उनका जो अपोजिशन का मेयर था वो जीता, और उसके जीतने पे इनको बड़ी मुश्किल पड़ी कि ये इतना बड़ा धचका हम कैसे सह लें। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको चैलेंज किया इलेक्शन, अपने ही इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया कि ये इसकी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। तो उसकी रिकाउंटिंग हुई और रिकाउंटिंग में भी जो मौजूदा मेयर हैं जिनका नाम है अकरम अमालू, ये जीते, और अभी तक उनको ये हजम नहीं बात हो रही कि मैं इस्तांबुल को हार चुका हूँ। इसलिए ये इस कदम के पीछे सबसे बड़ी बात जो है सियासी मुहरकात हैं, सियासी वजूहात हैं, उनके लिए कोई ऐसा कदम उठाना ज़रूरी था कि वो इस्तांबुल को दोबारा किसी ना किसी तरीके से हासिल कर सके। अब चूँकि उन्होंने ये कदम उठाया है तो वो जो कौमी सोच रखने वाले लोग हैं या मजहबी सोच रखने वाले लोग हैं उनके, उन्होंने दिल जीत लिए, अगले इलेक्शन में उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सियासी कार्ड होगा कि मैंने वो काम किया है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक, इसमें मैं कोई मजहबी दुनिया देख सकती है, इस्लामी लोग देख सकते हैं, मजहबी लोग देख सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें ये नज़र नहीं आ रहा, मुझे इसमें प्योर पॉलिटिकल मोटिवेशन नज़र आ रही है क्योंकि वो इस्तांबुल को हार चुके थे, उन्होंने कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना था जिससे उनकी दोबारा सिटीज़ में खास और बड़े शहरों मेट्रोपॉलिटन में मकबूलियत हो, खास तौर पे इस्तांबुल में। अब मैं आपके सामने ना एक बयान पढ़ना चाहता हूँ, आप जरा गौर से सुने, जो मौजूदा मेयर हैं उनका बयान है जो कि अपोजिशन के मेयर हैं, इनकी पार्टी के मेयर नहीं है, जिनके लिए दो बार गिनती करवाई गई, दोनों बार वो जीते। उन्होंने कहा है कि मेयर ऑफ इस्तांबुल जो अभी हैं, उन्होंने कहा है कि व्हाट इज द नीड टू ओपन दिस डिबेट, यानी कि आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने का डिबेट। तो लिखते हैं, कहते हैं कि व्हाट इज द नीड टू ओपन दिस डिबेट नाउ व्हेन व्हाइल टूरिज्म हैज प्लमेटेड एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बिकम अनएम्प्लॉयड, दिस इज नॉट एजेंडा फॉर टर्की, इज दिस अवर इशू टू डील राइट नाउ। वो कहते हैं कि मुझे तो ये नहीं समझ आई कि इस वक्त जब ये कोरोना वायरस की वजह से इकॉनमी डाउन है, टूरिज्म ज़ीरो हो चुका है, कोई इधर आ नहीं रहा है, पूरी दुनिया में टूरिज्म खत्म हो चुका है, तो इस वक्त इस कदम को, इस ये कदम उठाने का क्या जवाब था, मेरी समझ से बाहर है, होटल खाली हैं, टूरिज्म है नहीं है। लेकिन जवाब क्या है इसका, जवाब यही है कि एक सियासी हथकंडा है, दुनिया इसको मजहबी तौर पर देखे, लेकिन मैं तो कम अज़ कम इसमें नहीं देख सकता, ये एक सियासी हथकंडा है जो उन्होंने अपनाया है और मेरे ख्याल से बड़ी कामयाबी से अपनाया है, वक्त आगे बताएगा कितना कामयाबी से, लेकिन फिलहाल टाइड उनकी फेवर में जाती नजर आ रही है। जी जी जी,
डॉक्टर अख्तर, पाकिस्तान के सहाफी हैं। नईम साहब, अगर मुझे इजाजत होते हो, मैं प्लीज क्वेश्चन करो, आप इसी पे रहिएगा माजद के साथ। डॉक्टर अंजलि साहब, डॉक्टर अख्तर अंजलि साहब, आपकी क्योंकि बैन अलकौमी जो है वो नजर भी होती है, इश्यूज पर आप लिखते भी हो, ये जो मसीहों के तहफ़्फ़ुज़ात या इससे मसीहों के लिए क्या पैगाम है जो ये इसको आया सूफिया को मस्जिद तब्दील का जो हुक्म सादर किया गया है या ये कदम इंतहाई कदम उठाया गया है, इससे जो है मसीहों के लिए क्या लम्हा फिक्रिया या क्या पैगाम ला रहा है, क्योंकि हमारे अपने क्रिश्चियन में भी खासतौर पाकिस्तानी में थोड़ा सा डिफरेंट सा कर रहा है, या तो वो वहाँ खौफजदा है या क्या है, तो इसके लिए थोड़ी वजाहत करें और फिर नईम साहब आपसे पूछते हैं। जी, इसमें इस पूरे मामले को दो तरह से देखा जा सकता है। पहली तो बात यह है कि पहले हम चले देखते हैं कि ये पैगाम जो तैयब अर्दोगान साहब ने दिया है दुनिया को तुर्की में आया सोफिया को मस्जिद बनाने से, वो मसीहियों के लिए क्या पैगाम है। मसीहियों के लिए वो पैगाम है जो नईम साहब ने भी बताया है, क्या जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा मरगे मफाजात, के ये जो यहाँ पे मजॉरिटी मुस्लिम्स हैं वो जब उनको मजॉरिटी मिलेगी तो ये, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक बैनुल क़ौमी लहर चलेगी, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि उन्होंने एक इंडिकेशन दी है कि जहाँ पे आप मजॉरिटी में हैं वहाँ पे आप जो मर्जी कर लें, यूनेस्को के साथ मुआहदे हुए हैं छोड़ दें, कानून पास कैबिनेट ने किया छोड़ दें, यूरोपियन यूनियन के साथ उस वक्त जो यूरोपियन एलाइज थे उनको छोड़ दें, तो बेशक ये बात खतरनाक है। लेकिन सैमसन साहब, मैं इसको एक और पहलू से भी देखना चाहता हूँ और वो बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि ना सिर्फ जैसे अभी प्रूडेंट साहब फरमा रहे थे कि ये एक सियासी हथकंडा है, बल्कि हमारे मुसलमान ममालक के जो सरबराह हैं वो हमेशा माजी में जिंदा रहते हैं। अब पाकिस्तान की बात ले लें, इमरान खान साहब हैं, वो पाकिस्तान की 20वीं 21वीं सदी का पाकिस्तान ने, वो रियासत मदीना की बात करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अर्दोगान साहब जो हैं वो तुर्की में 21वीं सदी की तुर्की की बात नहीं कर रहे, वो दरअसल उस तुर्की की बात कर रहे हैं जिसको मोहम्मद फातेह, सुल्तान मोहम्मद पता किया था उस वक्त। और अब इसको देखें, जरा टाइमिंग को देखें, टाइमिंग की एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सल्तनत उस्मानिया का ऑफिशियल खात्मा 1922 में हुआ था, उससे पहले वो सल्तनत हार गई थी और सब कुछ, लेकिन जो डॉक्यूमेंट की साइनिंग थी वो 1 नवंबर 1922, और 2022 आने वाला, 2 साल रह गए हैं बीच में, यानी कि पूरा 100 साल हो गया है सल्तनत उस्मानिया को इस दुनिया से खत्म हुए। लिहाजा अर्दोगान साहब जो हैं वो अपने आप को उस तनाजर में भी पेश करना चाह रहे हैं कि आई एम अ रिवाइवल, अब मैं उस उस्मानिया सल्तनत को, तुर्की में खत्म हुई, मैं उसी तरह की सल्तनत को। और ये मुझे चंद साल पहले की बात है, फिलिस्तीन के महमूद अब्बास आए थे उस वक्त तुर्की, और जो सेट तैयार किया गया था उनको रिसीव करने के लिए, और जिस तरीके से वो सारा बैकग्राउंड किया गया था, गुलाम खड़े हैं एक तरफ, वो झंडा है, और वो बिल्कुल जिसने तारीख पढ़ी हुई है उसको फौरन नजर आ रहा था कि दिस इज अ रीइनेक्टमेंट ऑफ ऑटोमन एम्पायर्स ग्लोरी डेज। तो जब अर्दोगान साहब जो है वो तुर्की में इन चीजों का नफाज कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ कमाल अता तुर्क ने किया 22 के बाद 1934 तक जो कुछ भी किया, मैं उसको रिवर्ट कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर उन्होंने मस्जिद को म्यूजियम बनाया, मैं म्यूजियम को दोबारा मस्जिद बना रहा हूँ। उन्होंने अरबी की तालीम खत्म की, मैं अरबी की तालीम दोबारा दे रहा हूँ। उन्होंने तुर्कों का पहनावा बदल के वेस्टर्न किया,
इन्होंने दोबारा वो पहनावा लाने की कोशिश कर रहे हैं। निजामे तालीम, उन्होंने कहा लड़कियों को जरूरी तौर पर, को एजुकेशन के हामी थे वो। इस तरीके से जो कुछ भी उन्होंने किया वो यूरोप के साथ मिला दिया उन्होंने तुर्की को, ताकि कोई कोई डिस्टेंस ना रहे किसी तरह का, और तुर्की अपने हाल पर दोबारा कायम हो जाए। तो यहाँ पे एक चीज जो पैगाम दे रहे हैं अर्दोगान साहब, वो आलम इस्लाम को भी दे रहे हैं कि हम उस्मानिया सल्तनत को दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं एक बात का, आपकी बात को ही मैं ही उसी को इजाफा करूंगा कि आप अभी देख लो कि पाकिस्तान में जो अभी पहले सरवर चौधरी साहब ने यूनिवर्सिटी के लिए उर्दू में कुरान पढ़ने का जो है वो लाजमी करार दिया पंजाब में, और यही बात जो है वो अली खान अचद जो पीटीआई के, उन्होंने भी यही जोर दिया कि जो है वो कुरान पाक लाजमी करार दे दिया जाए उसमें। तो ये फॉलो जो है तुर्की को फॉलो पाकिस्तान भी कर रहा है। इसकी एक मैं मिसाल दूंगा, गालबन बेनेडिक्ट थे, पोप बेनेडिक्ट हैं जिन्होंने, अगर मैं गलत हुआ तो आप जरूर करेक्ट कीजिएगा, कि उन्होंने सलीबी जंगों पर माजरत की थी कि हम माजरत खा हैं कि हमने कि अब हमें वो भूल जाना चाहिए। जबकि आप देखो ये उसको, इसका मतलब है कि ये मजहब की आड़ में फिर एक बड़ा जो है वार को हवा देने के मुतरादिफ है। थैंक यू नईम साहब आपका भी। जी मैं डॉक्टर प्रूडेंट, मैं आपकी तरफ आता हूँ इसमें। अभी अख्तर साहब ने बताया कि यूनेस्को के साथ जो मुआहदा हुआ कि इसको आलमी वरसा बना दिया गया, फिर कमाल अतातुर्क के साथ जो मुआहदा हुआ जंग अजीम हारने के बाद, तो ये सारे मुआहदे, इसके अलावा अभी तो आलमी मुआहदे या खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा पैगंबर इस्लाम जनाब हजरत मोहम्मद साहब के ने जो मुआहदा किया था उस वक्त के मसीहों के साथ, जिसमें बताते हैं कि आपकी पीस बी अपॉन हिम हाथ की स्टैंप भी है उस दस्तावेज पर जो मिस्र में मौजूद है। कुछ जरा इसके बारे में बताएं, या और भी कोई मुआहदे हैं तो बताएं कि ये क्या इनकी हकीकत है। नईम साहब, ये पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के हवाले से 6 मुआहदों का जिक्र किया जाता है जो उन्होंने गैर इस्लामी दुनिया और खास तौर पर मसीहियों के साथ किए, और उनमें एक खास तौर पे खत है जो उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से लिखा या लिखवाया, तो उस पे उनके दस्ते मुबारक का अक्स है। आप अंदाज़ा करें कि आज के ज़माने में सिर्फ अंगूठा जो है वो तस्दीक के लिए काफ़ी होता है, उसका बल्कि उनका तो पूरा उस पे हाथ का अक्स है, तो यानी कि अथेंटिसिटी करने के लिए कि ये मेरी तरफ से है। तो उसमें इतनी अहम दस्तावेज़ है कि मेरे ख्याल में उसकी अहमियत का बयान नहीं किया जा सकता अल्फाज में, कि एज अ स्टेट्समैन उन्होंने ये एक मुआहदा किया मंक्स के साथ। उस वक्त के जो मंक्स थे उनका वफ्द उनके पास आया और उनके साथ मुआहदा किया कि आपके गिरजाघर, आपके कलीसिया, आपके मसीहियों से, उस वक्त मसीहियों के बिल्कुल, क्योंकि उनको खौफ था कि ये जो इस्लामी सल्तनत बढ़ती जा रही है ये ना हो कि जब चढ़ाई करें और हमें पता करें तो हमारे गिरजाघर, हमारे कलीसियाएं और जो मसीही कौम है उन पे बर्बरियत, जुल्म हो या ज्यादती हो। तो उन्होंने यकीन दिलाया वो खत की तहरीर लिखवा कर कि आपके गिरजाघर महफूज रहेंगे, उनमें कोई तब्दीली नहीं, उनके स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, और मसीहियों को तहफ़ दिया जाएगा, और कोई मसीही औरत के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी, जबरन शादी नहीं की जाएगी उसकी मर्जी के बगैर, और इस तरह के बेशुमार नुक्ते हैं जो उसमें तहरीर हैं। और वो इतनी अहम दस्तावेज़ है, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है कि काश वो जो दस्तावेज़ है वो पाकिस्तान के बल्कि दुनिया भर के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जो बुक्स हैं, एकेडमिक बुक्स हैं जो कि निसाबी किताबें हैं, उनमें उसका उनको हिस्सा बनाना चाहिए, बल्कि आवेज़ा करना चाहिए, क्योंकि इतनी अहम डॉक्यूमेंट है।
ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो यही मैं एक सेकंड के लिए पाकिस्तान के जो मौजूदा सदर हैं आरिफ अलवी साहब इस जिस खत का आप हवाला दे रहे हैं वो उन्होंने उनका वीडियो पैगाम है मैसेज है तो वो उन्होंने भी इसका जिक्र किया और बहुत सी जगह पे यूट्यूब भरा पड़ा है इस हवाले से। जी जी सर तो ये जो खत है ये टॉलरेंस का रवादारी का और इंटरफेथ हार्मोनी का ये एक आला नमूना है बेमिसाल नमूना है बल्कि जैसे कि अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है तो ये मैं समझता हूँ कि ये मैग्ना कार्टा से भी बड़ी डॉक्यूमेंट है जिसमें इस कदर वाजे और सरीह अल्फाज में लिखा है कि किस तरह से ये मुसलमानों का रवैया गैर मुसलमानों खासकर मसीह की तरफ कैसा होगा। तो अगर उस खत की रोशनी में देखा जाए तो ये जो कदम है कतन सरीहन जायज नहीं बनता और ये खत काश तैयब अर्दवान भी देख ले और देखें कि इसमें पैगंबर इस्लाम ने किस वाजे तौर पे ये नसीहत की है इंतबाह किया है खबरदार किया है कि मसीहियों के साथ कैसा सलूक करना है और उनकी इबादत गाहों और उनके चर्चेज और उनकी कम्युनिटी के साथ कैसे पेश आना है। ये मेरा ख्याल एक किताब भी है डॉक्टर अख्तर उसका अक्स मुझे दिखा रहे थे अगर आप डॉक्टर अख्तर ने जिली अगर आप थोड़ा सा इस पे जी डॉक्टर अख्तर बिल्कुल मैं डॉक्टर पुरन की बात को ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में हम गालिब के खतूत पढ़ाते हैं सर सैयद के खतूत पढ़ाते हैं पतरस बहारी के खतूत पढ़ाते हैं लेकिन हम पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन उनके खतूत नहीं पढ़ाते क्योंकि उनके 6 खतूत हैं जो उनकी हयात में लिखे गए और मैं उनको उनका मैं आपको पहले बता देता हूँ और फिर वो किताब भी दिखा देता हूँ। एक उन्होंने कविनेंट किया था कविनेंट अहद को कहते हैं एक अहद किया था आ हजरत ने मंक्स ऑफ माउंट साइनाई कोहे सीना के जो क्रिश्चियन राहब थे उनके साथ वो पहला अहद था। दूसरा अहद उन्होंने पर्शिया के मसीहियों के साथ किया था फारस के ईरान के मसीहियों के साथ। तीसरा अहद उन्होंने नाजारान के साथ किया था कि नाजारान के क्रिश्चियंस के साथ। चौथा अहद आपने पूरी दुनिया के मसीहियों के साथ किया था जिसको माउंट कार्मल मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। पांचवा अहद उनका कायरो मैन्यूस्क्रिप्ट में है। छठा अहद असीरियन क्रिश्चियंस के साथ किया था। ये 6 के 6 खतूत जो हैं ये ओरिजिनल हैं मौजूद हैं और ये जरा मैं कैमरे की तरफ कर देता हूँ 6 कविनेंट्स थोड़ा लेफ्ट साइड पे करें। हाँ जी अब ठीक है आगे थोड़ा जी 6 कविनेंट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद और ये लिख दे ऊपर लिखा हुआ है 6 कविनेंट्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद विद द क्रिश्चियंस ऑफ हिज टाइम द प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स। और ये तुर्की और स्पेन और उन्हीं इलाकों से ये एक खास मुहिम चली है जिस मुहिम का नाम है द कविनेंट इनिशिएटिव कि आप मुसलमानों के लिए लिखा गया है कि आप कुरान मजीद पढ़ते हैं अहदीस पढ़ते हैं आप उसके अलावा सीरा पढ़ते हैं नबी का लेकिन आप हजरत मोहम्मद प्रॉफिट ऑफ इस्लाम पीस बी अपॉन जो उन्होंने खुद अपने हाथ से 6 खतूत लिखे हैं आप उन्हें क्यों नहीं पढ़ते। इसलिए क्योंकि इनको पढ़ने के बाद वो उनका जो अखलाक है वो जाहिर होता है कि उन्होंने क्या कहा है कि क्रिश्चियंस के साथ क्या करना है उनकी औरतों के साथ कैसे रहना है उनके गिरजों का क्या करना है उनको टैक्स देना चाहिए या नहीं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इन चीजों का यहाँ से पढ़ के ये इंग्लिश में है लेकिन ये अरबी में भी मौजूद है ये उर्दू में बहुत सी जुबानों में है ये पूरा इनिशिएटिव है। लेकिन बात ये है कि ये एक सियासी हथकंडा है अर्दोगान का और वो बार बार बेशक वो खुलेआम ये नहीं कह रहे लेकिन उनका हर अमल जो है हर स्टेप जो है हर इकदाम ये बता रहा है कि वो अपने आप को सल्तनत उस्मानिया की वो जो खोई हुई अजमत है अजमत रफ्ता है वो उसमें ढालकर अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही जैसे सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ये कर दिया मैं भी वो कर सकता हूँ तुर्कों ने ये कर दिया वो कर दिया वगैरह वगैरह। हालांकि उस वक्त वो तुर्क जो थे वो मसीही थे और ये उस वक्त
फातह कौमें थी जो बाहर से आई थी, लिहाजा इसको देखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है हम इसको सियासी तनाजर में देखें। ये एक एक खौफ ज़दा सियासतदान का हथकंडा है जो इस्तांबुल में हार चुका है। इकोनॉमी इस वक्त बैठी हुई है, सिर्फ तुर्की की नहीं पूरी दुनिया की, लेकिन तुर्की की भी, उनकी अपनी जैसे प्रूडेंट साहब बता रहे थे उनकी पार्टी की मकबूलियत कम हो रही है, लिहाजा ये बस इधर उधर हाथ पांव मारने के है। मैं आखिर में डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, सॉरी, ये जो उसके लिए अदगाम के लिए ये हो सकता है कि ये सियासी इशू है, उसके लिए हो सकता है, उसके लोगों के लिए, उसकी जमात के लिए, क्या ये दूसरों के लिए भी सियासी इशू है? क्योंकि आप अगर थोड़ा सा देखें तो वहां से एक बाकायदा क्रिश्चियन को निकाला गया, अब 0.4 तकरीबन क्रिश्चियन है तुर्की, जो जहां पे खालिस्तन क्रिश्चियन स्टेट थी और सारा, अब जो सामने अगर देखें हम लोग तो जो यूनान, कुछ देर पहले यूनान ने मुस्लिम वहां पे ट्रांसफर किए हैं और वहां से क्रिश्चियन वहां आए हैं, जो इस तरह कोई मुश्किलात का शिकार थे। तो फिर मैं इसी तरफ जाऊंगा कि यूनान ने भी एक लॉबिंग और यूरोपियन सारा और दूसरे सारे इस वक्त इसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्या हम फिर भी इसको सियासी इशू, उनका तो सियासी इशू हो सकता है, क्या हमारे लिए भी सियासी इशू ही है ये? जी सैमसन साहब, हमारे लिए ये सियासी इशू नहीं है, हम इसको तारीख के धारे में देखते हैं और हमारे लिए ये बिल्कुल मजहबी इशू है, हमारे लिए ये रूहानी इशू है, हमारे लिए ये तारीखी इशू है। लेकिन देखें, जब भी कोई इस तरह की पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है तो उसमें बाजुकात लेने के देने पड़ जाते हैं। सारी दुनिया जानती है कि तुर्की कब से यूरोपियन यूनियन में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है तुर्की, जबकि इंग्लिस्तान वहां से निकल गया है, और भी चंद ममालिक हैं जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुर्की के जो मुख्तलिफ जो उनकी जरूरियात है, क्या उसे कहते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं कर सकते थे। अब ये जो कदम उठाया अर्दगान ने, आप समझें कि इसकी वजह से आलम इस्लाम में, और वो भी मैं सारे आलम इस्लाम की बात नहीं कर रहा, बहुत से मेरे मुसलमान दोस्त जो हैं उनके फोन आए हैं और वो कह रहे हैं कि ये गलत कदम उठाया गया है। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो मसीहियों के साथ उनकी हमदर्दियां हैं, वो भी चंद एक की होगी, लेकिन अक्सर जो कह रहे हैं गलत कदम उठाया गया है, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तुर्की को, अर्दगान को तो शायद ये फायदा हो लेकिन तुर्की एज अ नेशन उसको महंगा पड़ेगा। एक तो यूरोपियन यूनियन में आने की वजह से ये जो चीज है ये अब चंद और साल आगे निकल जाएगी, पहली बात। दूसरा, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, वी लिव इन अ वेब ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, वो बहुत बदल जाएंगे अमेरिका के साथ, यूके के साथ, ग्रीस के साथ, बाकी चंद ममालक के साथ, यहां तक कि रशिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च ने भी और रशिया की हुकूमत ने भी इस पर इतराज किया है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो है वो तुर्की से निकली थी, नसाया की जो काउंसिल थी, काउंसिल ऑफ नकाया जिसे कहते हैं, वो तुर्की में थी। हागिया सोफिया जो था, आया सोफिया जो था, ये हमारे लिए सबसे बड़ी क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी थी, स्टेट की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, ये बहुत कुछ था। लिहाजा जब लोग तारीख को समझते हैं और वो इस तरह के हरकत होंगी, तो आपने अभी जिक्र किया था कि बड़े दुख की बात थी जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था तो मुसलमानों के दिलों पर क्या गुजरी थी, ठीक है, बस ये उसी तरह का मामला है। हमारे इबादत खाने जो हैं, हमारी इबादत गाहें जो हैं, वो एक टैक्टिकल प्लेस ऑफ होती जगह होती हैं जहां पे हमें अपने मजहब को एक ऑब्जेक्ट में नजर आता है हमारा मजहब, और वहां पे स्लीबें थी, वहां पे तस्वीर थी, वहां पे आइकॉन्स थे, तोमार थे, किताबें थी, बहुत कुछ था। तो खैर, ये इसका जवाब सैमसन साहब मैं आपको यही देना चाहता हूँ कि हमारे लिए ये बेशक खालिस्तन मजहबी मामला है, लेकिन हम तहजीब के दायरे में रहकर इसका एहतजाज करें।
इसमें मेरे मेरी तरफ से आखिरी सवाल है सैमसन साहब, आपकी इजाजत से, आप दोनों के लिए, दोनों मेहमानों के लिए, ओरिया मकबूल जान किसी तारीफ के मुताज नहीं, पाकिस्तान के साथी हैं और मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं। इन्होंने ये सोशल मीडिया पे भी बड़ा ये वायरल है, इन्होंने कहा कि जनाब कोई भी मसीहियों की तरफ से तो कोई बोल ही नहीं रहा उस बात पे, ये हमारे अपने चंद सेकुलर हल्के जो है ये बात कर रहे हैं, अदरवाइज किसी मसीह की मसीहों को तो इस बात की कोई तकलीफ नहीं है, वो तो खुश हैं। तो जैसा अभी आपने ऑर्थोडॉक्स चर्च के बारे में, तो ये रूस की तरफ से इस पे बड़ा सख्त हफजात का इतराज किया, और तुर्की के अपने जो नोबल इनाम याफ्ता मुसन्नफ है, मैं नाम शायद थोड़ा गलत पढ़ जाऊं, और हान पालक, उन्होंने कहा कि लाखों सेकुलर जो है इस फैसले पर रो रहे हैं मगर इनकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। इसी तरह तुर्की की हज़्ब इख्तलाफ ने सख्त एहतजाज इस बात पे की है, मशरकी ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है उसने इतराज किया है, यूनान ने यूनान की वजीर सकाफत ने इस बात पे बयान दिया है कि ये बिल्कुल गलत हुआ है। इसी तरह यूनेस्को के डायरेक्टर ने खत लिखा है और बहुत से लोगों ने कहा है। तो ये यूरोप का एक अपना तरीका है आगे चलने का, बात करने का, तो ये आहिस्ता आहिस्ता, वो मैं नहीं समझता कि ये मामला यहीं पे ठप हो जाएगा। तो सर इसके बारे में क्या फरमाएंगे आप, मुझसे पूछ रहे हैं या प्रॉब्लम साहब से? ये दोनों जो कोई भी जनाब जवाब दे दे। चलें देखें, मैं आगाज करता हूँ, फिर प्रॉब्लम साहब अपने ख्याल का बयान कर देंगे। बात ये है कि पाकिस्तान को सिर्फ एक जुबान की समझ आती है और वो जो पाकिस्तान में अक्सर बोली जाती है। आपने देखा है कि वहां पे असेंबली में भी बात नहीं करते, वो कुर्सियां फेंकना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं जी आज बहुत अच्छी डिबेट हुई है। मकबूल औरिया जान से मैं चाहता हूं कोई पूछे कि वो कितने इंटरनेशनल चैनल्स देखते हैं और उन्होंने कितने इंटरनेशनल जर्नल्स का मुताला किया इसके बाद, और यूनिसेफ से और यूनेस्को से निकलने वाले जो बयानात है वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। देखें बात ये नहीं है कि कितने जलाओ गिराओ कितना हुआ है, कितनी मस्जिदों को जख्मी किया गया, कितने चर्चेस को आग लगाई गई है। ये डिबेट्स होती हैं जो लाइब्रेरीज में की जाती हैं, ये वो डिबेट्स होती हैं जो पार्लियामेंट्स में की जाती हैं, ये इंटेलेक्चुअल डिबेट्स हैं, और उन इंटेलेक्चुअल डिबेट्स का जो नतीजा है वो पॉलिसी मेकिंग में आता है, और पॉलिसी मेकिंग की वजह से फिर उसके बाद पॉलिसीज बनने के बाद ऑर्डर्स इनिशिएट किए जाते हैं। ये है तरीका पूरी दुनिया में एक महजब तौर पर अपने ख्यालात को सामने लाने का। अब आया सोफिया को अगर मस्जिद बना दिया गया है तो क्या औरिया जान मकबूल साहब को तभी पता चलेगा कि हमारे दिल दुखे हैं जब ट्रक जलाए जाएंगे या जब टायर जलाए जाएंगे, अपनी ही इमलाक को हम गिरा देंगे या किसी इबादत खाने को मसख कर देंगे? नहीं। देखें सोचने का एक तरीका होता है और अपनी बात करने का, अगर हमें तकलीफ नहीं है तो हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? प्रूडेंट साहब अमेरिका में है, मैं यूके में बैठा हुआ, पाकिस्तान में हमारे बहुत से दोस्त देख रहे हैं, फोन आ रहे हैं हमें दुनिया के हर जगह से, इसलिए नहीं कि हमें दुख नहीं पहुंचा, इसलिए नहीं कि हम अपना एहतजाज नहीं कर रहे। एहतजाज करने का भी तरीका है और एहतजाज रजिस्टर, वो डॉक्टर इकबाल का ही एक शेर है, शिकवा जवाब शिकवा का, शिकवा लाजम भी हो तो जरूरी है, वो जो बहरहाल उनका तरीका कार ये है कि उसका एक शेवा होता है, एक खास तरीका होता है, अदब के जाविये होते हैं, अदब के दायरे होते हैं, उनमें रह के शिको। आप देखें पूरी दुनिया में जो स्कॉलेस्टिक यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे ये डिबेट चल रही है, यूनेस्को की तरफ से, तारीख दानों की तरफ से, थियोलॉजी की तरफ से, पॉलिटिशियंस की तरफ से, नहीं चल रही तो गिराओ जलाओ करने वाले ट्रकों को आग लगाने वालों में नहीं चल रही। हम क्या करें, हम में ट्रकों को आग लगाने वाले हैं नहीं है,
ये समझदार सुलझी हुई कौम है, मसीही है, हमने दुनिया को तहजीब सिखाई है। आज के हम तहजीब का दामन अपने हाथ से जाने दें? नहीं। अदब बहुत बड़ी चीज है, हमारे सीनों पर जख्म भी लगता है तो हम अदब के दायरे में रहकर बात करेंगे और कर रहे हैं। हम दुनिया को तहजीब सिखाने वाले हैं, लिहाजा हम तहजीब का दामन नहीं छोड़ेंगे। जी सैमसन साहब, मैसेज ओरिया जान यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि जिस तरह किसी दूसरे मुल्क में कोई इस्लामिक यहाँ इस तरह खिलाफ होता है तो वो अपने वहां पाकिस्तान में चर्चेस को तोड़ देते हैं या उनके अल्जाम लगा देते हैं, इसका मतलब है कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो मसीह हैं वो भी इसमें इस तरह से एहतजाजत करें। नहीं, और ये कह रहे हैं कथा कलामी माफ, उनका कहना कि ये है कि बैन अल-अक़वामी तौर पर मसीहियों को कोई नहीं परेशानी, उसका जवाब डॉक्टर साहब ने दे दिया। सर उसकी वजह यह है कि बैन अल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तानियों ने मकबूल जान औरिया को सुनना है, जो उन्होंने कहना है वो सुन लेना। पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो इंटरनेशनल प्रेस से देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है? जी। मेरा ख्याल है आप नईम साहब, टाइम हमारे पास बिल्कुल एक दो मिनट है, अगर हम इसको बात को समेटें तो मेरा ख्याल है वक्त पे हम इसको कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप भी जो है वो कुछ कहना चाहें तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। जी 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 सर, बड़ी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है और बड़े इखलाक और तहजीब के दायरे में, और जैसा कि एक जो सबसे इस सारे मामले में आया सोफिया के हवाले से जो बात बताई गई है वो है जनाब हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके हवाले से जो उनके लेटर हैं, तो ये बरा करम ये उन हमारे मुसलमान भाइयों को वो 6 लेटर पढ़ने चाहिए जो हजरत ने जो मुआहदे किए हैं मसीहों के साथ। तो ये आज जो आया सोफिया के साथ जो जो इकदाम लिया जा रहा है, तो अगर वो पढ़ लें सेंट कैथरीन जो मिस्र मिस्र में वाकया है उनके मसीहों के साथ जो वायदा किया गया था, अगर आप उसको पढ़ लें तो उसमें मुकम्मल तौर पर ये कहा गया है कि ये वायदा जो है ये रहती दुनिया तक रहेगा और जो मुसलमान इस वायदे पर अमल नहीं करेगा उसको क्यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। तो उसमें ये वायदे में ये शिक्ष शामिल है कि मसीहों की जो इबादत गाहें हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा ना उनसे छीनी जाएगी। जी शुक्रिया सर। सैमसन साहब, एक जरूरी बात इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, एक बात बयान की जा रही है मीडिया पे खासतौर पर पाकिस्तान में कि ये इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए इस कदम पे, क्योंकि ये खरीदा गया था। एक ये भी इशू, एक एंगल ये भी है कि इस पे कहा जा रहा है कि सोफिया आया सोफिया में एक दस्तावेज़ है जिस पे लिखा गया है कि ये बाकायदा खरीदी गई थी मसीहियों से, मसीही इसे बेचकर खुद चले गए थे। पहली तो बात यह है कि जो फाते होते हैं वो खरीदो फरोख्त नहीं करते, वो फाते होते हैं, वो फतह करते हैं और वो ले लेते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो डॉक्यूमेंट है जिसके बारे कहा जाता है कि ये बेची गई और खरीदी गई, मेरा सवाल ये है कि इस डॉक्यूमेंट के हवाले से, इस दस्तावेज़ के हवाले से जिसने भी ये दावा किया है या जो डॉक्यूमेंट जहाँ भी है, बराए करम ये करें कि उस डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वो भी ज़रा मशहूर तशहीर उसकी करें कि खरीदी कब गई, किसने खरीदी, कितने में खरीदी, उसकी डिटेल्स क्या हैं। ये दावा कर देना कि एक दस्तावेज़ है जिसपे लिखा गया है कि खरीदी गई, तो जब कोई चीज़ खरीदी जाती है तो खरीदार भी होता है, बेचने वाला भी होता है, उसके शराइत होते हैं, उसकी प्राइस होती है, उसके गवाह होते हैं, ये सारा कुछ भी ज़रा जो ये दावा कर रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो ज़रा इसका भी जवाब दे दें। जी डॉक्टर अख्तर अंजलि साहब, आप कैसे इसको क्लोज करेंगे? आज हम वाइंड अप की तरफ बढ़ गए हैं, तो आप कैसे इसको, डॉक्टर साहब कैसे क्लोज करेंगे आज की सारी गुफ्तगू को? सैमसन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, नईम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, डॉक्टर प्रूडेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आखिरी बात यह है कि जैसे मैंने 2-3 बार आज बताया कि तारीख का धारा बाज़ का किसी के हक में होता है
बाज़ुकात किसी के खिलाफ होता है। बाइबल मुकद्दस में दानियल के सहीफे में एक बड़ी खूबसूरत आयत है कि हक ताला इंसानों की ममलकत में हुकूमत करता है। देखें बाज़ुकात ये ऐसे वाकयात होते हैं कि खुदा की जात हमें परख रही होती है कि हम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, हम दूसरों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया जैसा कि तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। मैं अपने उन मुसलमान भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने फोन करके मेरे दुख में हमारे दुख में हमारे साथ चले बात की है। मैं उन हलकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस बात को गलत कह रहे हैं, चाहे वो सेकुलर है, चाहे वो इस्लामिक है, चाहे वो क्रिश्चियन है, हिंदू है, कोई भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने मसीही बहन भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो तालीम दी गई है बाइबल मुकद्दस में, तालीम का पता उस वक्त चलता है जब इंसान किसी मुश्किल वक्त में पड़ता है। जब इंसान खुशहाली में होता है उस वक्त तो सभी खुशहाल और बाअदब रह सकते हैं। मैं इस वक्त ये कहूंगा कि लेट अस ऑल शो दैट वी आर सिविलाइज पीपल विच वी आर। हमने जैसे मैं अभी अर्ज कर रहा था दुनिया को तहजीब सिखाई है। ये हमारा हमें दुख है कि आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाया गया, हालांकि उसको यूं भी किया जा सकता था कि उसको मस्जिद और गिरजा दोनों बना दिया जाता, टाइम एंड स्पेस बांट लिए जाते कि संडे को क्रिश्चियंस वहां पे इबादत कर ले, फ्राइडे को जुम्मे की, कोई इस तरह से ऐसी ऐसा हल निकाला जा सकता था। दुनिया में बहुत दानिश्वर लोग हैं क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के लोगों को लेते क्योंकि ये आपकी इबादत गाह है, पहले फाते मुसलमानों को लेते और कोई ऐसा, लेकिन ये जो एक सियासी हल निकाला गया है और हम दुआओं में आया सोफिया को याद रखेंगे, अपने मुसलमान बहन भाइयों को जो पीस लविंग है उनको भी याद रखेंगे और जो दुख हमें पहुंचा है उस, और हम डिप्लोमेटिकली स्कॉलेस्टिकली मीडिया वाइज हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। देखें आया सोफिया 916 तक गिरजा था, उसके बाद वो 400 कुछ तकरीबन 500 साल तक मस्जिद रहा, उसके बाद फिर वो म्यूजियम बना। तो खुदा के घर में कोई देर तो नहीं है। अगर वो एक मस्जिद को मंदिर बना सकता है, मंदिर को गिरजा बना सकता है, मस्जिद को म्यूजियम बना सकता है, गिरजे को मस्जिद बना सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकती है, तो हम अपनी जो जद्दोजहद है वो जारी रखेंगे, हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे क्योंकि ये हमारा हक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अख्तर अंजली साहब, इसी तरह डॉक्टर प्रूडेंट साहब, नईम वाइज और हम तमाम नाजरीन का आज शुक्रिया अदा करूंगा। और यकीनन आज की हमारा ये टॉक शो एक जबरदस्त साबित हुआ होगा और आप सबको पसंद आया होगा। और यहाँ पे मजहब की या क्रिश्चियनिटी की, सिर्फ क्रिश्चियनिटी की बात नहीं है, यहाँ पे बात है एक प्यार मोहब्बत और इंटर, जिसको हम हारमोनी भी कहते हैं, इंटरफेथ हारमोनी भी कहते हैं। अगर आप इस तरह करोगे तो हारमोनी क्या वो रेजा रेजा इस तरह हो जाएगी और वही पुराना दौर फिर शुरू हो जाएगा। और मैं ये भी बताता जाऊं कि ये सारा प्रोग्राम हमारा अंजीली मीडिया और न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क का था, जो आप बाद में यूट्यूब पे देख सकते हैं। आप दोनों चैनल्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी करें ताकि ये बेहतर से बेहतर प्रोग्राम पेश करें। और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं और मैं भी इस वक्त जो हमारा प्रोग्राम था वो पूरी तरह सियासी मजहबी हर लिहाज से था। और अगर हमारे ये डॉक्टर साहब प्रूडेंट डॉक्टर साहब और दूसरे डॉक्टर अख्तर अंजली जो एक अंजली घराने के सपूत हैं, अगर इजाज़त देंगे तो हम इसको मजहबी नुक्ता नज़र से भी देखेंगे